So our next topic for the unit third is types of the electronic payment system. ये book में आपका types of electronic payment technologies करके दिया हुआ है. आज के time में जैसे book जो है हमारी already थोड़ी सी old है, तो इसीलिए उसमें थोड़े से कुछ ऐसे methods नहीं mention किए हुए हैं जो आज develop हैं, like GPay वगैरह के बारे में वहाँ उसमें नहीं दिया हुआ होगा. तो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट के, ई कॉमर्स में इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट की बात करते हैं, तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट जो हैं पहले भी से स्टार्ट हुए थे, लाइक जैसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड यूज़ होना और उसको स्वैप करना, ये तो पहले स्टार्ट हो गया था. उसके बाद ये हल्के हल्के आपका पेटीएम, UPID, GPay वाले से ट्रांसफ़र करना, कॉन्टैक्ट नंबर्स के थ्रू ट्रांसफ़र कर लेना, तो वो सब जो है अब डेवलप हुआ है. तो यहाँ पे आपको इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स पेमेंट सिस्टम के बारे में बताया है. तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से. अगर वेन यू परचेज द गुड्स, जब भी हम ऑनलाइन मीडियम से कोई भी गुड या सर्विस खरीदते हैं, तो वी पे फॉर देम यूजिंग एन इलेक्ट्रॉनिक मीडियम. ऑब्वियसली जब ऑनलाइन खरीद रहे हैं तो पेमेंट भी हम ऑनलाइन ही करते हैं 99% केसेस में. 1% केस हो जाता है जहाँ पे अगर COD अवेलेबल है तो लोग COD पे ऑप्ट कर लेते हैं. वो भी तब ऑप्ट करते हैं कुछ लोग जो कॉन्फिडेंस नहीं रख होता है जिन्हें कि प्रोडक्ट उन्हें सही मिलेगा नहीं मिलेगा. और उसके बाद आज के टाइम में COD की जगह नाउ इट इज़ टर्न इंटू POD, एंड POD इज़ पेमेंट ऑन डिलीवरी. और पेमेंट ऑन डिलीवरी का मतलब होता है यू कैन पे इधर इन कैश फॉर्म और UPID के थ्रू कर सकते हो. जो आपको डिलीवरी बॉय होगा वो लिंक सेंड कर देगा, या फिर इवन यू कैन यूज़ डेबिट कार्ड एट दैट टाइम ऑल्सो. तो पेमेंट ऑफ डिलीवरी में आपके और ऑप्शंस ऐड ऑन हो गए हैं. इसलिए ऑब्वियसली जब हम कोई नया प्रोडक्ट खरीदते हैं ऑनलाइन या सर्विस खरीदते हैं ऑनलाइन, तो हम पेमेंट मोड भी हमारा ऑनलाइन भी होता है. एंड द मोड ऑफ पेमेंट विदाउट यूजिंग चेक और कैश इज कॉल्ड एन ई कॉमर्स पेमेंट सिस्टम. कोई भी पेमेंट हम जहाँ पे कैश का यूज़ नहीं कर रहे हैं और चेक का यूज़ नहीं कर रहे हैं, तब वो हमारा ई पेमेंट कहलाएगा. अच्छा, एक चीज़ ई कॉमर्स में COD तो आ जाएगा, मगर जब हम इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट की बात करेंगे तब कैश COD हमारा वाला वो पॉइंट नहीं आएगा. तो द ग्रोइंग यूज़ ऑफ इंटरनेट बेस्ड बैंकिंग एंड शॉपिंग हैज़ बीन सीन द ग्रोथ ऑफ वेरियस ई पेमेंट. अब जैसे जैसे पहले ऑनलाइन शॉपिंग का इतना ट्रेंड नहीं था, जैसे शॉपिंग का ट्रेंड बढ़ा है वैसे ही लोगों का पेमेंट का भी ट्रेंड बढ़ गया. अब जैसे कि डिपेंड करता है कि सिचुएशंस क्या है. टेक्नोलॉजी अपग्रेड हुई, सिचुएशंस चेंज हुई, लोगों को दूर से प्रोडक्ट मंगाना है तो ई कॉमर्स ऑप्ट किया, फिर पेमेंट भी ऑनलाइन कर दिया. अब उसके बाद ऑप्शंस ये आए कि किसी के पास कुछ मान लिए मैच नहीं कर रहा है, किसी को IFC कोड नहीं मिलता है, तो वो एक इशू हो जाता है कि भाई बैंक का IFC कोड सर्च करना है. फिर उसके बाद आप देखिए वो आ गया डीमोनेटाइजेशन. अब डीमोनेटाइजेशन कि एक एक रीज़न था कि जिसकी जिस टाइम पर ये आपका GPay, PayTM जो है जिन्होंने बूम पे आ गए थे, बूस्ट करा था बिजनेस, क्योंकि लोग अब जा नहीं सकते थे, अब कैश सा बैंक में है, उनको कैश चेंज नहीं मिल रहा है, तो बेस्ट ऑप्शन ये था कि आप ऑनलाइन पेमेंट करिए. QR कोड ऑप्शन दे दिया था सारे बिजनेसमैन, या इवन आप अपना पर्सनल QR कोड यूज़ कर सकते हैं टू एक्सचेंज द मनी. तो इसीलिए कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स में या फिर ई कॉमर्स में जो पेमेंट सिस्टम एंड टेक्नोलॉजी है वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो गई है. क्यों डेवलप हुई? टू इंक्रीज एंड इम्प्रूव एंड प्रोवाइड द सिक्योर ई पेमेंट ट्रांजेक्शन्स. इसलिए जैसे जैसे नई टेक्निक्स डेवलप हुई हैं, टेक्नोलॉजीज डेवलप हुई हैं, वैसे ही आपके न्यू डिफरेंट मेथड्स भी डेवलप हुए हैं. लेट्स नाउ डिस्कस कि डिफरेंट मेथड्स क्या हैं ई कॉमर्स में पेमेंट करने का. फर्स्ट आता है क्रेडिट कार्ड. क्रेडिट कार्ड क्या होता है? एक जनरली वैसे आप सबको पता ही होगा, क्रेडिट कार्ड इज जस्ट लाइक हमारा डेबिट कार्ड की तरह एक कार्ड ही होता है प्लास्टिक का. उसमें और अच्छा एक चीज़ है, कंडीशन ये होती है क्रेडिट कार्ड बैंक हर किसी को नहीं देती है, उनकी सर्टेन कंडीशंस होती हैं. अगर आपके बैंक अकाउंट में कितना बैलेंस है या आपकी मंथली सैलरी कितनी है तो उन्हीं लोगों को देता है, या फिर बिजनेसमैन को क्रेडिट कार्ड इशू होता है. अब क्रेडिट कार्ड में फैसिलिटी होती है कि एक जैसे उन्होंने लिमिट बना दी है कि आपको 50,000 तक का एक क्रेडिट कार्ड दे दिया है, तो आप जब जाके शॉपिंग करते हो तो 50,000 तक जो है उसमें से डिडक्शन होता रहेगा, तो वो फैसिलिटी आपकी क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड कराता है. इट इज़ जस्ट लाइक अ डेबिट कार्ड, बट इसका क्या है, क्रेडिट बेसिस पे, मतलब उधारी एक तरीके से वो है जो बैंक दे दे रहा है, और उसकी एक लिमिट सेट होती है. जब वो पूरा एक्सपायर हो जाता है या लिमिट पूरी हो जाती है तब वो वर्क नहीं करता है क्रेडिट कार्ड.
तो क्रेडिट कार्ड क्या है, मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ पेमेंट ऑफ ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन, इट इज थ्रू क्रेडिट कार्ड, इट इज सिंपल टू यूज, इजी है यूज करना, द कस्टमर हैज टू जस्ट एंटर देयर क्रेडिट कार्ड नंबर एंड डेट ऑफ एक्सपायरी। जिस तरह से डेबिट कार्ड में हमारा डेट ऑफ एक्सपायरी लिखा होता है कार्ड का, एटीएम कार्ड का नंबर लिखा होता है, वैसे क्रेडिट कार्ड में भी नंबर होता है हमारा, डेट ऑफ एक्सपायरी होती है। और ये वाली इन्फॉर्मेशन अगर हम ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं तो हम ऑनलाइन पेमेंट में ये सारी इन्फॉर्मेशन फीड करते हैं, अदरवाइज स्वैप मशीन होती है तो जस्ट हमें स्वैप करना होता है और अपना कोड डालना होता है, आपका मनी डिडक्ट हो जाता है। टू इम्प्रूव द सिक्योरिटी सिस्टम, इंक्रीज्ड सिक्योरिटी मेजर्स सच एज आपका जैसे CVV नंबर होता है डेबिट कार्ड में, हमारे यहाँ पे कार्ड वेरिफिकेशन नंबर होता है, दैट इज CVN नंबर, एंड हैव इंट्रोड्यूस्ड टू ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स। ये क्या हेल्प करता है, जो हेल्प करता है फ्रॉड वगैरह कहीं अगर हो रहा है या कोई गलती से किसी ने पैसा किसी की इंफॉर्मेशन ले लिया है, कार्ड ले लिया है, तो उसको रोकने की कोशिश करता है। तो एक मेथड जो है आपका इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट करने का, दैट इज क्रेडिट कार्ड के थ्रू। और क्रेडिट कार्ड हम ऑनलाइन वेबसाइट पे भी यूज कर सकते हैं, एंड प्लस स्वैप मशीन जो होती है, स्वैप मशीन जिसमें कार्ड स्वैप कराया जाता है उसमें भी यूज हो सकता है। सेकेंड आता है डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड क्या होता है, इट इज जस्ट लाइक अ प्लास्टिक कार्ड होता है जिसमें एक सिलिकॉन चिप होती है। सिलिकॉन चिप मतलब जैसे कि हमारे सिम कार्ड पे होती है ना, थोड़ी येलोइश गोल्डन जैसी, वैसी चिप होती है। उस चिप में क्या होता है, कस्टमर की ये जो डेबिट कार्ड होल्डर है उसकी पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन होती है उस कार्ड के अंदर, बैंक अकाउंट नंबर वगैरह सारी चीज़ें। और उस कार्ड पे क्या क्या चीज़ें होती हैं, कार्ड पे आपका कार्ड का एक्सपायरी डेट लिखी होगी, मंथ और ईयर लिखा होगा, कार्ड होल्डर का नेम लिखा होता है, और कार्ड पे आई थिंक 16 डिजिट्स का डेबिट कार्ड नंबर होता है जो कि 44 करके आपका मेंशन होता है। फिर कार्ड के पीछे जो है आपका एक वाइट स्ट्रिप होती है जिसपे 3 डिजिट नंबर लिखे होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज CVV नंबर। तो डेबिट कार्ड भी हम जस्ट लाइक क्रेडिट कार्ड की तरह जो है, जब कोई ऑनलाइन पेमेंट करना हो तो वहाँ पे आप डेबिट कार्ड में अपना डेबिट कार्ड नंबर डालिए, सारी इन्फॉर्मेशन डालिए, आपको फिर वो OTP भी मोबाइल पे आता है, फिर आप OTP डाल के अपना पिन डाल के मनी डिडक्ट कर सकते हैं। और स्वैप मशीन पे भी हम लोग डेबिट कार्ड यूज़ कर सकते हैं। तो ये क्या है, सेम है दोनों चीज़ें, बस थोड़ा सा फ़र्क है। यहाँ पे डेबिट कार्ड क्या है, ये सिर्फ आपका मनी जितना अकाउंट में आपका पैसा है उससे वो डिडक्शन का होता है, और ये जो होता है वो बैंक आपको प्रोवाइड कराता है विद सर्टेन लिमिट के साथ क्रेडिट कार्ड। तो वो क्रेडिट कार्ड मतलब वो एक तरह से कहना चाहिए उधारी एक आपको दे रहे हैं, ये एक पैसा अमाउंट जो दे रहे हैं वो क्रेडिट कार्ड के फॉर्म में देते हैं। तो ये है डेबिट कार्ड आपका, ठीक है। तो दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस मनी वही क्रेडिट एंड डेबिट की बात है, अदरवाइज मनी डिडक्शन आपका दोनों में होगा। नेक्स्ट जो आता है दैट इज स्मार्ट कार्ड। एक आता है आपका स्मार्ट कार्ड, एक हो गया डेबिट कार्ड, एक हो गया क्रेडिट कार्ड, और एक हो गया आपका स्मार्ट कार्ड। स्मार्ट कार्ड क्या है, स्मार्ट कार्ड भी एक तरह का प्लास्टिक कार्ड ही होता है जिसने एक माइक्रो प्रोसेसर दैट हैज एन कस्टमर पर्सनल इन्फॉर्मेशन स्टोर। सेम उसी की तरह जैसे अब हमारा आधार कार्ड आता है उसी फॉर्म में हमारा स्मार्ट कार्ड भी होता है। एंड इट कैन बी लोडेड विद फंड्स टू मेक ऑनलाइन ट्रांजेक्शन एंड इंस्टेंट पेमेंट ऑफ द बिल्स। अब बैंक स्मार्ट कार्ड प्रोवाइड कराती है कस्टमर्स को जिसमें कस्टमर की इंफॉर्मेशन फीड की हुई होती है, प्लस मनी लोडेड होता है वो, जस्ट लाइक जैसे क्रेडिट कार्ड होता है, क्रेडिट कार्ड में हमें 50,000 का क्रेडिट कार्ड दे दिया या 2,00,000 तक का क्रेडिट कार्ड दे दिया, 2,00,000 तक की शॉपिंग हम कर सकते हैं उसमें, ठीक है। अब ऐसे ही सेम स्मार्ट कार्ड होता है जिसमें हमारा मनी होता है, या जैसे कूपन्स वगैरह, जैसे हम लोग मॉल जाते हैं ना तो वो एक कार्ड पॉइंट दे देते हैं जिसमें हमारे पॉइंट्स होते हैं, डिडक्ट करवाने पर हमारे डिस्काउंट मिल जाते हैं। तो वैसे ही ट्रांजेक्शन्स, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, इंस्टेंट पेमेंट ऑफ बिल कर सकते हैं। द मनी दैट इज लोडेड इज इन द स्मार्ट कार्ड रिड्यूसेज एज पर द यूसेज द कस्टमर एंड हैज़ टू बी रीलोडेड फ्रॉम हिज और बैंक अकाउंट। तो दिस इज जस्ट लाइक कि जैसे हम लोग रिचार्ज कराते हैं एवरी मंथ अपने अगर मोबाइल सिम कार्ड का, तो वैसे ही स्मार्ट कार्ड क्या है, लाइक 10,000 का उन्होंने स्मार्ट कार्ड प्रोवाइड किया है जिसमें सारी डिटेल्स हैं और मनी आपका लोडेड है।
आपने 10,000 की शॉपिंग कर ली, अब आपको बैंक से फिर इन्फॉर्मेशन आपको सेंड करनी पड़ेगी या बैंक जाना पड़ेगा उसको रीलोड करना, या एक तरीके से कहेंगे रिचार्ज कराने के लिए। तो आप जितने भी अमाउंट का रिचार्ज करवा लिए उतने तक की आप शॉपिंग कर सकते हैं, फिर बार बार बैंक से रिचार्ज करवा सकते हैं। तो दैट इज स्मार्ट कार्ड। नेक्स्ट आता है ई वॉलेट्स। ई वॉलेट्स क्या होते हैं? कई सारे मर्चेंट वेबसाइट्स जो हैं या सेलर की जो वेबसाइट्स हैं, वो एक आपको वेबसाइट हो या फिर एप्स हैं, वो आपको एक ऑप्शन प्रोवाइड कराते हैं वॉलेट की। वॉलेट मतलब ई वॉलेट मीन्स जहाँ पे आप अपने अकाउंट से सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी जो है उस साइट के ई वॉलेट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे होता है ना बैंक में, मान लो हमारे पास 1,00,000 रुपीज़ है, 1,00,000 रुपीज़ है, बट हम 1,00,000 रुपीज़ वो पूरे पर्स में लेके थोड़ी घूमते हैं। हम 10,000 चलो लेके घूमेंगे, 1,000, 4,000 या 5,000 लेके घूमेंगे। तो सेम हम क्या करते हैं, सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी हम उस ई वॉलेट में ट्रांसफ़र कर देते हैं थ्रू अपने बैंक से उसमें, और फिर उस मनी का यूज़ करते हैं कोई भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन या पेमेंट करना हो पर्टिकुलर साइट पे। ऐसे नहीं सब जगह वो यूज़ होगा। अगर मैं मान लीजिए नायका, अगर आपने नाम सुना हो तो नायका का ई वॉलेट है, तो नायका पे मैंने अगर 5,000 ट्रांसफ़र करें अपने बैंक से तो मैं सिर्फ नायका पे ही शॉपिंग कर सकती हूँ। अब आप सोचो मैं नायका के ई वॉलेट जो है अमेज़ोन के पेमेंट के लिए यूज़ कर लूँ, तो वो ऐसा नहीं हो सकता। तो ई वॉलेट जो है सर्टेन हमारी जो एप्स एंड वेबसाइट्स होती हैं उसी पे ही यूज़ किया जाता है, और क्योंकि वहाँ पे हमारी प्रोफाइल मेंशन होती है, हमारा एक अकाउंट बना होता है, तभी वो ई वॉलेट होता है। ई वॉलेट क्या है? इट इज़ प्रीपेड अकाउंट दैट अलाउज द कस्टमर टू स्टोर मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स, बैंक अकाउंट नंबर्स इन अ सिक्योर इन्वायरमेंट। दिस एलिमिनेट द नीड टू की अकाउंट इन्फॉर्मेशन एवरी टाइम वाइल मेकिंग द पेमेंट्स। अच्छा, ई वॉलेट एक दिक्कत तो जो मैंने अभी बताया वो भी है, प्लस कभी कभार ऐसा होता है हम लोग UPID भी अपनी सेव कर देते हैं। जैसे अमेज़ॉन पे है तो अमेज़ॉन पे में हमारी UPID सेव है ऑलरेडी, तो हमें क्या करना होता है, जस्ट हमें ऑप्शन चूज करना होता है कि किस मोड से हम पेमेंट करना चाहते हैं। वो ऑटोमेटिकली हमारे डायरेक्ट कर देता है कि पेमेंट होना है सर्टेन अमाउंट का, और हमें पिन डालनी होती है UPI पिन, और हमारा पेमेंट हो जाता है। तो वो भी आपका ई वॉलेट में काउंट हो जाएगा। वंस द कस्टमर हैज रजिस्टर्ड एंड क्रिएटेड द ई वॉलेट प्रोफाइल, ही और शी कैन मेक द पेमेंट फास्टर। तो तीन मेथड हो गए, चार मेथड हो गए आपके, एक हो गया क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, स्मार्ट कार्ड, ई वॉलेट्स हो गए, एंड नेक्स्ट आता है नेट बैंकिंग। नेट बैंकिंग क्या होती है? नेट मीन्स ऑब्वियसली इंटरनेट की बात हो रही है। तो जितने भी अकाउंट होल्डर होते हैं वो बैंक से एक ID एंड पासवर्ड इशू करवाते हैं और इंटरनेट का कनेक्शन लेते हैं। कभी कभार ऐसा होता है हम लोग ऑनलाइन खुद भी ले सकते हैं इंटरनेट की कनेक्टिविटी, कभी कभार बैंक की तरफ से होता है वो। तो इंटरनेट बैंकिंग में क्या होता है, आपका कस्टमर आईडी और पासवर्ड यूज़ होता है, तो उसमें आपका एक लॉगिन पासवर्ड बनता है, और फिर एक आता है आपका ट्रांजैक्शन पासवर्ड। तो उससे क्या होगा, आपको वहाँ कुछ नहीं करना है, ना ही कोई डेबिट कार्ड का या कोई कुछ नहीं, आप ऑनलाइन इंटरनेट से अपनी बैंक की वेबसाइट ओपन करिए। बैंक की वेबसाइट जब आप ओपन करेंगे तो आप वहाँ अगेन अपनी कस्टमर आईडी और अपना अकाउंट ओपन करोगे, फिर जो भी पेमेंट करना हो, कहीं भी पेमेंट करना हो नेट बैंकिंग से, चाहे वो RTGS करना हो या ऑनलाइन ट्रांसफ़र भी करना हो किसी के अकाउंट में, तो वो भी आप अपने कर सकते हैं। तो दैट इज़ नेट बैंकिंग के थ्रू। तो नेट बैंकिंग में क्या है, कहीं कोई कार्ड वगैरह कुछ नहीं मिलेगा, लैपटॉप पे या अपने मोबाइल पे कंपनी की हमें बस वेबसाइट ओपन करनी है, उस पर अपना लॉगिन करना है। लॉगिन पासवर्ड अलग होता है, ट्रांजैक्शन पासवर्ड अलग होता है, और उसमें भी एक आपकी लिमिट भी फिक्स पूछते हैं कि आप पर डे का कितना ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो वो सारी चीज़ें आई होप अगर किसी आप में से अगर किसी के पास नहीं है तो आप लोग चेक करिएगा, या अकाउंट अगर आपके पास है तो नेट बैंकिंग लेके देखिएगा कि कैसे वो होती है। कुछ नहीं है उसमें, कोई कार्ड वगैरह कुछ नहीं होता है। एक आपको जब ATM मिला होगा या अकाउंट ओपन हुआ होगा तो एक आपको कस्टमर आईडी मिलती है, उस कस्टमर आईडी का यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो एक आपका यूज़र पास आईडी होती है, तो वही यूज़र आईडी यूज़ होती है सेम आपकी, और पासवर्ड आप खुद क्रिएट करते हो, उसके बाद आप अपना आगे जो भी सेटिंग्स चेंज करना चाहें वो चेंज कर सकते हैं, और इवन आप अपना बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट भी निकाल सकते हैं, बैंक स्टेटमेंट जिसे हम बोलते हैं, क्योंकि हर मंथ हमने कितना कहाँ पेमेंट करा, क्या किसका किससे रिसीव हुआ किससे हमें, तो वो सारी चीज़ें आप घर बैठे बैठे चेक कर सकते हैं। तो दैट इज़ नेट बैंकिंग के थ्रू।
फिर आता है नेक्स्ट जो हमारा मेथड है, दैट इज द मोबाइल पेमेंट। अब कुछ एप्स के लिए कस्टमर का मोबाइल, कस्टमर के मोबाइल में ऑप्शंस होते हैं जो उसके थ्रू हम पेमेंट कर सकते हैं। तो मोबाइल पेमेंट क्या है? लेटेस्ट वे ऑफ मेकिंग द ऑनलाइन पेमेंट आर थ्रू मोबाइल फोन्स इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ क्रेडिट। अब क्या है, जो जी पे का मैं बात कर रही थी, फोन पे की बात कर रही थी या पेटीएम की बात कर रही थी, वो क्या है, कोई कार्ड हमें नहीं चाहिए, एक बार इन्फॉर्मेशन स्टोर कर दी, बस हमें यूपीआई पिन डालनी होती है हमेशा और हम पेमेंट कहीं भी कर सकते हैं, चाहे फोन रिचार्ज करना हो, किसी को मनी ट्रांसफर करना हो, किसी का ऑनलाइन पेमेंट ऑर्डर, ऑनलाइन ऑर्डर हमने कोई प्रोडक्ट खरीदा है तो उसका पेमेंट करना हो, तो कुछ भी कर सकते हैं। तो वन ऑफ द लेटेस्ट वे ऑफ मेकिंग द ऑनलाइन पेमेंट इज थ्रू मोबाइल फोन्स इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ क्रेडिट कार्ड कैश। ऑल द कस्टमर्स हैव टू डू इज सेंड अ पेमेंट रिक्वेस्ट भेजनी होती है सेलर या फिर जो भी, अगर आपने ऑनलाइन ऑर्डर करा है, आप ऑनलाइन ऑर्डर जैसे वेबसाइट पे करते हो, तो वेबसाइट पे ऑर्डर करने के बाद जब आप पेमेंट में आते हो, वहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस होते हैं, तो अगर आपने मान ली उसमें चूज करा है यूपीआई आईडी से हमें पेमेंट करना, तो यूपीआई आईडी में फिर वो आपसे यूपीआई आईडी मांगेगा, आप यूपीआई आईडी डालोगे और वो वेरीफाई करेगा, फिर वो उसको लिंक पे रिक्वेस्ट भेजेगा कि इसकी पेमेंट की रिक्वेस्ट आई है, इतने अमाउंट की है, 400 अमाउंट की है, 500 अमाउंट की पेमेंट रिक्वेस्ट आई है, उसको अप्रूव कर दिए, फिर आप वो पर्टिकुलर अपना ऐप, चाहे वो जी पे हो, फोन पे हो, पेटीएम हो, उसको ओपन करते हैं और वहाँ से पेमेंट कर देते हैं, वहाँ पे आपको बस पिन डालना होता है। टू सेटअप द मोबाइल पेमेंट सिस्टम द कस्टमर जस्ट हैज टू डाउनलोड अ सॉफ्टवेयर, जो मैं आपको काउंट करा दिए जी पे वगैरह, वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना होता है एंड द प्रोवाइडर हिज और सर्विस प्रोवाइडर्स वेबसाइट एंड देन लिंक द क्रेडिट कार्ड या मोबाइल बिलिंग इन्फॉर्मेशन टू द सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो ये मोबाइल पेमेंट। अच्छा, एक और है कंपनी का, एक एप्स भी आती है, बट उसमें आई डोंट थिंक सो कि पेमेंट ऑप्शन अवेलेबल है या नहीं है, बट वहाँ हम अपने अकाउंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चेक जरूर कर सकते हैं। तो ये है आपका मोबाइल पेमेंट। उसके बाद आता है एक ऑप्शन जो बहुत लेटेस्ट लास्ट 2 to 3 years में सब लोग बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है, वो है आपका अमेज़ॉन पे। अमेज़ॉन पे जैसे लाइक जी पे है, फोन पे है, वैसे ही अमेज़ॉन डॉट कॉम ने अपना खुद का पेमेंट क्या कहना चाहिए गेटवे और पेमेंट मेथड या पेमेंट गेटवे लॉन्च किया, जिसको उन्होंने नाम दिया अमेज़ॉन पे। अब अमेज़ॉन पे क्या का ऑप्शन दे रहा है, ये आपको लिंक करता है आपकी यूपीआई आईडी से, जो हमारी यूनिक पर्सनल आइडेंटिटी वाली जो होती है, दैट वो उसको उससे हम कनेक्ट कर देते हैं। तो अमेज़ॉन पे में हमारा, अच्छा कभी कभार ऐसा भी होता है हम कुछ ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो हमें कैशबैक मिलता है, तो वो डायरेक्ट अमेज़ॉन पे में आता है, हमारा बैंक अकाउंट में नहीं जाता है। तो कभी का आपने देखा होगा, हम लोग कुछ कैश ऑन डिलीवरी पर अगर आइटम मंगाते हैं तो 1 रुपी हमारा लोड होता है अमेज़ॉन पे में, और अमेज़ॉन पे के थ्रू ही हम यूपीआई पिन से पेमेंट भी कर सकते हैं। तो ये लेटेस्ट आपके मेथड्स हैं पेमेंट करने के। अब थोड़ा सा और आगे डिटेलिंग में वही मेथड्स डिफाइन कर रखे हैं। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम क्या होता है, टू ट्रांसफर द मनी ओवर द इंटरनेट। मेथड्स क्या हम ऑप्ट करते हैं, जो ट्रेडिशनली मेथड्स है वो चेक के थ्रू पेमेंट करना, क्रेडिट कार्ड के थ्रू या कैश के थ्रू। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट की जब बात आई तो उसमें क्या आया, ई कैश आ गया, सॉफ्टवेयर वॉलेट्स आ गए, स्मार्ट कार्ड्स आ गए, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड्स, ये सारी चीज़ें आ गई, क्यूआर कोड डेवलप हो गया, वो भी हम मोबाइल के थ्रू ऐप्स के थ्रू पेमेंट कर देते हैं। उसके बाद उन्होंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं जो हम इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट करते हैं, जिन चीज़ों का लाइक ऑनलाइन रिजर्वेशन करना हो, किसी चीज़ का बिल पे करना हो। आज के टाइम में बहुत सारे लोग भीड़ भाड़ से बचने के लिए ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल हो, वाटर बिल हो, वाटर टैंक्स का बिल हो, तो ये सब चीज़ें हम बिल ऑनलाइन पे करते हैं, या इवन डिश टीवी का रिचार्ज कराना हो, ऑनलाइन ऑर्डर प्लेसिंग, अगर हमें कुछ ऑनलाइन फूड ऑर्डर करा है, कोई शॉपिंग आइटम हमने ऑर्डर किया है तो उसके लिए भी पेमेंट करते हैं, टिकट बुक करना है मूवी के लिए उसके लिए भी हम लोग ऑनलाइन पेमेंट करते हैं। फिर टू स्टोरेज मेथड्स मतलब उन्होंने यहाँ पे बताया है कि क्या क्या कैश पेमेंट होता है। ऑनलाइन अगर हम बात करें तो इंडिविजुअल डज नॉट हैव द पोजेशन पर्सनली ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कैश, ट्रस्टेड थर्ड पार्टी, एग्जाम्पल ऑनलाइन बैंक,
होल्ड्स कस्टमर कैश अकाउंट्स। अब क्या होता है, ऑनलाइन दो स्टोरेज मेथड में उन्होंने एक पहले बताया कि अगर हम ऑनलाइन अगर कुछ पेमेंट कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट की अगर हम बात करें, तो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट दो तरीके से होता है। एक तो होता है आपको नेट का कनेक्शन चाहिए फ़ौरन और आप पेमेंट करते हो, तो वो क्या हो गया आपका, जैसे कि हम लोग जीपे का यूज़ करते हैं बिना नेट के, वो ओपन नहीं होता, फ़ोनपे हो गया। वैसे ही ई कैश की भी अगर बात करें तो वो क्या होते हैं, वो थर्ड पार्टी होती है जो हमारे बैंक अकाउंट को होल्ड कर रही है या बैंक का मनी को होल्ड करती है, और उसको हम इंटरेस्ट करते हैं कि वो पेमेंट करेगी हमारे सेलर को। ठीक, तो ये तो ऑनलाइन हुआ। ऑफलाइन क्या होता है, जैसे कि हम लोग डेबिट कार्ड अपने साथ लेके घूमते हैं, क्रेडिट कार्ड अपने साथ लेके घूमते हैं, या हम स्मार्ट कार्ड लेके घूमते हैं और हम कहीं शॉपिंग कर रहे हैं, हमने स्वैप कराया तो वो पेमेंट कर दिया, तो वो भी तो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट मेथड ही तो था, तो इसीलिए वो ऑनलाइन पर्टिकुलरली होली ऑनलाइन हो गया, जहाँ पे नेट कनेक्शन हमें चाहिए ही चाहिए, और जहाँ बिना कनेक्शन के भी पेमेंट कर दे रहे हैं मगर कैश का यूज़ नहीं हो रहा है, वो ऑफलाइन मेथड में हो गया। यहाँ टाइप्स ऑफ ई इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट बताए हैं, दैट इज़ ई वॉलेट्स, ई कैश, स्मार्ट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ई कैश हमने डिस्कस नहीं किया था, तो ई कैश क्या होता है, ई कैश इस तरह से आप समझ लो, जो थर्ड पार्टी होती है वो टोकन हमें देती है, और वो टोकन रेफर करते हैं, या मतलब कहना चाहिए एक टोकन रिफ्लेक्ट करता है 50 रुपीज़ लाइक। ठीक, तो अगर हमें किसी को पेमेंट करना है 100 रुपीज़ का, तो हमने उसको दो टोकन भेज दिया और वो टोकन जो है बैंक उसको 100 रुपीज़ का पेमेंट कर देगा। तो ई कैश क्या है, अ सिस्टम दैट अलाउज अ पर्सन टू पे फॉर गुड्स और सर्विसेज बाय ट्रांसमिटिंग नंबर फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। तो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर एक नंबर सेंड ट्रांसमिट किया जाता है, वो नंबर जो होता है जिसको हम टोकन बोलते हैं, लाइक द सीरियल नंबर ऑन द करेंसी नोट्स। अब आपने सबने नोट तो देखा ही होगा, नोट पे एक सीरियल नंबर लिखा होता है, वैसे ही ईच जो कैश होता है उन सबका एक अपना यूनिक नंबर होता है जिसको हम टोकन बोलते हैं, तो वो चीज़ ट्रांसफर करी जाती है और उसके थ्रू पेमेंट किया जाता है। दिस इज़ इशूड बाय द बैंक, बैंक इशू करता है टोकन, ये जो नंबर होते हैं ई कैश के नंबर जो होते हैं वो बैंक इशू करता है, एंड रिप्रेजेंट्स अ स्पेसिफाइड सम ऑफ रियल मनी, इट इज़ एनोनिमस एंड रीयूजेबल, और उसको हम रिपीटेटिवली यूज कर सकते हैं। अब ई कैश की प्रोसेसिंग देखिए कैसे होती है, यहाँ पे फर्स्ट है कि कंज्यूमर बायज द ई कैश फ्रॉम बैंक, बैंक क्या करा, कंज्यूमर ने या कस्टमर ने बैंक को रिक्वेस्ट भेजी ई कैश की, मतलब टोकन की, बैंक ने उसको टोकन प्रोवाइड करा दिया। ठीक है, तो बैंक सेंड्स ई कैश बिट्स टू कंज्यूमर, वही जो नंबर थे वो बैंक ने उसको भेज दिए, ये आपका स्टेप टू हो गया। कंज्यूमर सेंड्स ई कैश टू मर्चेंट, अब कंज्यूमर ने जो सेलर है आपका उसको अपना ई कैश टोकन नंबर सेंड कर दिया, फिर वो क्या करता है, मर्चेंट जो है उस बैंक के पास वो टोकन लेके जाता है और फिर वो बैंक जो है उसको पेमेंट कर देता है। जैसे एक तरीके से हमें कहना चाहिए चेक का ही अगर मैं बोलूँ, तो चेक जैसा ही काम करा है इसने कि मैं किसी को चेक काट के देती हूँ, मतलब बैंक ने मुझे चेक फैसिलिटी प्रोवाइड कर रखी है, मैंने चेक अपने मर्चेंट को दिया, मर्चेंट फिर बैंक गया विड्रॉ करने के लिए पैसे, तो वो इसी तरह का एक सर्कल हो गया। तो क्या हुआ, टोकन पहले हमने बैंक से लिया, बैंक से हमने कहा कि हमें ई कैश दे दो, ई कैश या ई कैश टोकन दे दो, बैंक ने हमें ये टोकन प्रोवाइड करा, हमने वो टोकन अपने सेलर को दिया, सेलर फिर बैंक के पास गया और बैंक ने उसको पेमेंट कर दिया, यहाँ पे ट्रांजेक्शन कंप्लीट हुआ। ई वॉलेट हमने ये बताया था कि दिस एम्स टू गिव द शॉपर्स अ सिंगल सिंपल एंड सिक्योर वे ऑफ कैरिंग द करेंसी इलेक्ट्रॉनिकली, मतलब अपना बैंक पैसा पूरी सब जगह ले जाने के बजाय हम एक ई वॉलेट उन्होंने प्रोवाइड कर रखा है जिसमें अपने बैंक से कुछ अमाउंट हम वहाँ पे स्टोर कर सकते हैं, दैट इज ई वॉलेट। ना प्रोसीजर दे रखा है यहाँ पे, प्रोसीजर ऑफ यूजिंग एन ई वॉलेट क्या है, दैट इज़ डिसाइड इन ऑनलाइन वेबसाइट, वही मैंने कहा था कि ई वॉलेट जो होता है वो सर्टेन वेबसाइट पे अवेलेबल होता है, या फिर आप किसी ऐप की अगर मैं बात करूँ तो वो उस ऐप पे होता है, तो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा या उस पर लॉग इन करना पड़ता है, फिर उस पर जाके आप वहाँ पे ऑप्शन सेटिंग्स होती हैं कि ई वॉलेट में जाते हैं, तब वो कहता है कि ट्रांसफ़र मनी फ्रॉम योर अकाउंट, तब वहाँ से जाकर ट्रांसफ़र करते हो, फिर अप्रूव करते हो, अपनी सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल करते हो, उसके बाद जाके वो अमाउंट आपका वहाँ पे ट्रांसफ़र होता है।
When you are ready to buy, click on the wallet button, the buying process is fully executed. तो फिर आपको ई वॉलेट का बस पेमेंट ऑप्शन चूज करना होगा. मान लो आपके अकाउंट में 1,000 रुपए हैं और आपको पेमेंट 800 रुपए करना है, तो ई वॉलेट का ऑप्शन आपने चूज करा तो वो ऑटोमेटिकली 800 रुपए उसमें से डिडक्ट हो जाएंगे और बाकी 200 रुपीज उसी में रहेंगे. ऐसी सेम उसमें जैसे आपका अमेजोन पे है ना, उसमें भी पैसे होते हैं, तो कभी कभार जब हम ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो ऑटोमेटिकली उस पर भी कनेक्ट होके आ जाता है और वो डेबिट कार्ड पर भी कनेक्ट होके आ जाता है. तो उसका मतलब क्या है, उसमें से भी आपके पैसे डिडक्ट हो जाएंगे. और अगर मान लो कोई आइटम हमारे 100 रुपीज़ है अमेजोन पे में और आइटम है हमारा 60 रुपीज़ का, तो आप 60 रुपीज़ बस अमेजोन पे क्लिक करिए और मतलब उस पर डॉट सर्कल बना होता है तो वो ब्लू हाईलाइटेड करके आ जाता है, तो उस पर जब हम ओके कर देंगे, प्रोसीड टू चेकआउट करेंगे तो ऑटोमेटिकली 60 रुपीज़ कट जाएंगे, 40 रुपीज़ आपके उसी में रहेंगे. नेक्स्ट है स्मार्ट कार्ड. यहाँ एक एग्जांपल दे रखा है स्मार्ट कार्ड का. ये जैसे ये बना हुआ है आपका फोटो के साथ सारी इन्फॉर्मेशन और ये चिप लगी हुई है. इस चिप में जो कार्ड होल्डर होता है उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन होती है, बैंक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है, उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन और कितना अमाउंट उसका इस स्मार्ट कार्ड में होल्ड करता है वो. अब जैसे आज देखिए, जब हम लोग कहीं दूसरे स्टेट वगैरह में जाते थे तो टोल प्लाजा हमें देने पड़ते थे, उस पर कितना टाइम हमें रुकना पड़ता था. अब आप वही चीज़ वो लेके आए, उन्होंने क्या करा, स्मार्ट कार्ड उन्होंने लगवाया कार में और उसमें कुछ मनी होता है, जैसे रिचार्ज जैसे हमें कराना होता है ना वैसे सिम कार्ड वैसी उसमें होता है. तो आप टोल प्लाजा पे जाएंगे तो वहाँ सेंसर्स लगे होते हैं, वो ऑटोमेटिकली जितना पैसा होगा चाहे वो 10 रुपये कटने हो 20 रुपये कटने हो अपने आप डिडक्ट हो जाएंगे उसमें से, आपको रुकने की ज़्यादा मतलब वेट करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी. ये स्मार्ट कार्ड की प्रोसेसिंग बताई है इन्होंने. यूज़र ओपन्स द अकाउंट एंड रिसीव्स द स्मार्ट कार्ड. आप किसी बैंक में जाकर अपना अकाउंट खुलवाते हो, बैंक आपको स्मार्ट कार्ड देता है. यूज़र डाउनलोड द टोकन ऑन टू द कार्ड्स, ठीक. फिर यूज़र इंसर्ट्स द कार्ड इन अ रीडर, रीडर मीन्स जो स्वैप मशीन होती है वो. टोकन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम यूज़र कार्ड टू वेंडर कार्ड, देन उसके बाद जब वेंडर के पास टोकन्स पहुंच जाते हैं, गुड्स डिलीवर एंड वेंडर रिडीम्स द टोकन्स. गुड सामान हमारे पास आ गया और फिर वो टोकन्स कन्वर्ट हो जाते हैं मनी में. ये आप देख लीजिएगा. वैसे तो मैंने पीडीएफ भी शायद इसकी नहीं भेजी है, अदरवाइज इसमें से पॉज करके पढ़ लीजिएगा. क्रेडिट कार्ड्स बता रखे हैं, ये एग्जाम्पल्स हैं क्रेडिट कार्ड के, आपके वीजा कार्ड, मास्टर कार्ड. प्रोसेसिंग ऑफ क्रेडिट कार्ड, कस्टमर इंटरनेट के थ्रू मर्चेंट की वेबसाइट को लॉगिन करता है, फिर मर्चेंट की वेबसाइट अपने बैंक नेटवर्क से कनेक्टेड रहती है और वो मर्चेंट बैंक मतलब उसका जो बैंक अकाउंट जिसमें उसका बैंक अकाउंट है, ठीक है. फिर वो रिक्वेस्ट भेजता है पेमेंट का, तो वो इंटरनेट के थ्रू कस्टमर क्या कर रहा है, अब ये वेबसाइट का काम बता रहे हैं. हाँ, क्रेडिट कार्ड हम वैसे स्वैप मशीन में भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ इंटरनेट के थ्रू उन्होंने बताया है कि वो रिक्वेस्ट भेजेंगे, फिर हम सारी डिटेल्स भेज डालते हैं तो फिर पेमेंट अप्रूव हो जाता है. अब एक जो नई चीज़ हमारी आई है वो है पेमेंट गेटवे. आई थिंक ये लास्ट है पेमेंट गेटवे. या हमने उसमें भी पढ़ा था कि क्या कैसे जब हमें कभी बिजनेस अपना ऑनलाइन स्टार्ट करना होता है ना, बहुत सारे लोग नई कंपनी को स्टार्ट कर रहे हैं या बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो कहते हैं कि यार पेमेंट गेटवे हमें डेवलप करना है, पेमेंट गेटवे हमें बनाना है. क्या होता है पेमेंट गेटवे? पेमेंट गेटवे एक ई कॉमर्स इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स एप्लीकेशन सर्विस होती है दैट प्रोवाइड्स अ सर्विस दैट ऑथराइजेज द पेमेंट्स फॉर ई बिजनेसेस एंड ऑनलाइन शॉपिंग एक्सेट्रा. जैसे ये पेपाल है आपका, ये स्ट्रेट पे है, पोस्ट है, इवन अगर आपने नाम सुना हो एक रेजर पे आता है, तो रेजर पे क्या है वो भी पेमेंट गेट पे. वो क्या करते हैं मतलब वो ऑथेंटिकेशन या ऑथराइजेशन है उनके पास कि किसी ने अगर ऑनलाइन बिजनेस करा है तो वो उस पेमेंट गेटवे के थ्रू हम पेमेंट करते हैं. अब वहाँ पे हम कोई ऐप यूज़ नहीं कर रहे हैं, वो लोग उनका काम ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करने का होता है मर्चेंट को, सेलर को सर्विस प्रोवाइड कराते हैं. अब पेमेंट गेटवे प्रोटेक्ट्स द क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, एनक्रिप्टिंग सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन सच एज क्रेडिट कार्ड नंबर या डेबिट कार्ड कुछ भी हो, कि सबकी इन्फॉर्मेशन को सिक्योर रखने का काम उसका होता है. इन्फॉर्मेशन पासेस सिक्योरली बिटवीन द कस्टमर एंड द मर्चेंट एंड ऑल्सो बिटवीन द मर्चेंट एंड पेमेंट प्रोसेसर.
अब पेमेंट गेटवे कैसे काम कैसे करता है, ये देखिए, आपका यूजर प्लेसिंग एन ऑर्डर टू द मर्चेंट वेब सर्वर, मतलब एक कस्टमर है, उसने सेलर को ऑनलाइन इंटरनेट मीडियम के थ्रू उसने ऑर्डर प्लेस किया, वो रिक्वेस्ट भेजता है ऑफ पेमेंट गेटवे। ऑर्डर ओके हो गया, ऑर्डर ओके होने के बाद वो क्या करता है, वो पेमेंट गेटवे जो है उसको रिक्वेस्ट भेजता है पेमेंट की। फिर उसके बाद वो रिक्वेस्ट जो हो जाती है बैंक के पास कंफर्मेशन के लिए कि हाँ ये भाई पेमेंट होना है इस चीज़ का, इतने अमाउंट का रिसीव होना है। फिर बैंक रिस्पॉन्स करता है और पेमेंट गेटवे रिस्पॉन्स करता है दोबारा मर्चेंट के वेब सर्वर। फिर मर्चेंट भेजता है उसको कि इस पेमेंट गेटवे के थ्रू आपको 400 रुपये पे करने हैं। तो फिर जब फाइनली पेमेंट हो जाता है तो बैंक क्या करता है, बैंक जिस मतलब उससे जो कनेक्टेड है वो जब उसको पास पेमेंट रिसीव हो जाता है तो बैंक जो सेलर है उसके अकाउंट में उसका पैसा ट्रांसफ़र कर देता है। अब जैसे मैं जो बात कर रही हूँ पेपाल की या रेजर पे की, वो उन्होंने क्या करा, बैंक में उनके थ्रू उन्होंने पैसा तो ले लिया, फिर वो जो है उनकी जिम्मेदारी होती है जो सेलर है, अगर उसका अकाउंट स्टेट बैंक में और मेरा अकाउंट मान लो PNB में है तो वो लोग रिस्पॉन्सिबल होंगे स्टेट बैंक में उनका पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए। तो दैट इज़ पेमेंट गेटवे। ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजीज थी जो हमारी हेल्प करती हैं पेमेंट, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट को प्रमोट करने के लिए और उसको सिक्योर बनाने के लिए।